नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे YouTube व्यूवर्स के उस सवाल के बारे में जिसमें उन्होंने पूछा है कि वेरिकोसिल पेशेंट को वेरिकोसिल की बीमारी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाता है। तो इस विषय में हम पूरी आज बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं पहले वेरिकोसिल की। वेरिकोसिल क्या है? वेरिकोसिल बेसिकली मेल स्क्रोटम में होने वाली प्रॉब्लम है। इसमें नसों का गुच्छा बन जाता है जिसमें इन्फ्लेमेशन दर्द के साथ व्यक्ति को चलने फिरने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि एक जो ब्लड का जो एक ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ब्लड में जो हो जाते हैं, ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से वेरिकोसिल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीडाइज ब्लड को लेकर आ रही होती हैं, वेंस के थ्रू वही ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए हार्ट की ओर ऊपर जा रहा होता है। जब ये ब्लड का प्रोसेस गड़बड़ा जाता है, इसमें खराबी आती है, तो ब्लड क्या है नीचे की तरफ टेस्टिकल्स की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को हो जाती है वेरिकोसिल की प्रॉब्लम। तो ये तो हुई बात वेरिकोसिल की। अब बात कर लेते हैं वेरिकोसिल की रिकवरी रेट की। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप वेरिकोसिल पेशेंट हैं और आपको इनिशियल स्टेज पर ही इसका पता चल चुका है कि आपको वेरिकोसिल जैसी समस्या हो रही है, तो अभी हमने सार समझ लिया वेरिकोसिल का कि वेरिकोसिल एक्चुअली में है क्या। अब बात आती है कि वेरिकोसिल की रिकवरी किस तरह से होती है, उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो वेरिकोसिल में अगर आप हैं, अगर आपको वेरिकोसिल की शिकायत हो गई है और आपको इनिशियल स्टेज पर इसका पता चल जाता है, तो आपको इसमें वक्त लग जाता है करीबन 2 से 3 महीने का। अगर इसमें आपको कोई सिस्ट, कोई लंप भी अगर है, तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी कि 15 से 20 दिन या 1 महीना इसका टाइम बढ़ सकता है। तो वेरिकोसिल को हम इसमें रखते हैं ग्रेड नंबर 1 में, और जिसे हम बोलते हैं माइल्ड सिचुएशन। अगले ग्रेड की अगर हम बात करें वेरिकोसिल ग्रेड 2, यानी कि ये माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी कि मॉडरेट पोजीशन पर पहुंच जाता है। जब व्यक्ति को वेरिकोसिल का पता तब चलता है जब थोड़ा सा वक्त बीत जाता है, जिसके बाद कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोसिल ग्रेड 2। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी टाइम है, वो लग जाता है करीब 3 से 5 महीने का। क्योंकि समस्या बढ़ जाती है तो टाइम भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेरिकोसिल ग्रेड नंबर 3 की, यानी कि ये वेरिकोसिल पेशेंट की वो पोजीशन है जब ये माइल्ड, मॉडरेट से जाकर सीवियर तक पहुंच जाती है, यानी कि परिस्थितियां थोड़ी सी और गड़बड़ा जाती हैं, जिसमें व्यक्ति को इलाज में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ शुरुआत से करी और वो धीरे 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 करके इतना पनप जाती है कि फिर बाद में आपको मुश्किलें ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो वेरिकोसिल ग्रेड 3 को हम रखते हैं सीवियर पोजीशन पर। इसमें जो रिकवरी का टाइम होता है वो करीबन 6 से 8 महीने का हो जाता है, और कभी कभी इसमें देखा जाता है कि ये टाइम जो है खिंच कर 1 साल तक भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अगर सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी व्यक्ति को हो सकता है कम समय भी लग सकता है और किसी व्यक्ति को इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। अब सीवियर पोजीशन वाली बात हम कर रहे हैं, ग्रेड 3 वाली बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, कुछ व्यक्तियों को वेरिकोसिल का इसमें पता नहीं चल पाता है और कुछ व्यक्ति इसको पता करने के बाद भी नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, जो धीरे धीरे अवस्था आ जाती है वेरिकोसिल ग्रेड 3, जो बाद में काफ़ी सारी दिक्कतें दे देती है। साथ ही अगर आप वेरिकोसिल बीमारी के रिगार्डिंग हमसे कोई प्रश्नों को, कोई सवालों को पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेरिकोसिल के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। और साथ ही अगर आप और भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं वेरिकोसिल के रिगार्डिंग या मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, तो अगर आज का इंफॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।